और फ्रेंड्स आज होगी क्रैकर टेस्टिंग की। कुछ प्राइस बता दूं, एक दिन में दो वीडियो आया करेंगी। पहली जो वीडियो रहेगी जिसमें मैं प्राइस बता देंगे, शाम को वीडियो शूट करेंगे, मतलब जो मॉर्निंग में आएगी उसमें प्राइस बताया करूँगा, शाम को उसकी टेस्टिंग की जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि प्राइस के लिए काफ़ी कमेंट करते हैं और टेस्टिंग के लिए काफ़ी कमेंट करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि दिन में मेरी प्राइस की जो वीडियो आई है वही रात को टेस्ट होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये वाले जो क्रैकर्स की टेस्टिंग की मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इनकी टेस्टिंग कर रखी है, इनकी प्राइस लिस्ट की वीडियो आ चुकी है जो आप पहले देख सकते हैं। आज क्या करेंगे, इसका और इसका कंपेरिजन करेंगे। ये कोक ब्रांड की टॉर्च है जो कि सबसे बड़ी है, ठीक है, और जो पेंसिल्स की तरह चलती है, ये म्यूर की है, ये दोनों म्यूर की हैं। ठीक है, तो म्यूर कंपनी काफ़ी बेस्ट रहती है। मैंने जो कंपेरिजन पहले भी किया हुआ है, इसका और इसका लगभग दोनों का सेम रहता है, पर सबसे बेस्ट रहती है ये छोटे वाली, ठीक है, क्योंकि इसकी मैंने टेस्टिंग पहले की है। तो अगर MR की बात की जाए तो ये 300 कुछ रुपये की है, जो 400 कुछ रुपये की है, जो MRP लिखा है, नहीं 500 कुछ रुपये की है मेरे ख्याल से, ये इसका MRP लिखा है 450 रुपये लिखा हुआ है। ये देखो इसका जो MRP है ना वो 450 रुपये है, पर ये आपको रॉन्ग फिगर में बता देता हूँ, ये आपको 200-250 रुपये के बीच में मिल जाती है और ये 150 रुपये के बीच में मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि अभी 30% रेट बढ़े हैं ना, तो इसका जो MRP होगा, ये कोक ब्रांड है, ये 30% 20% उसके हिसाब से ही आपको मिलेगी। ठीक है, पर अब की बार इसका रेट क्या छप गया है मैं कुछ कह नहीं सकता, फिलहाल मेरे पे है जो 315 रुपये है, इसका हाफ करो ये 150 रुपये की मिलेगी, 150 और 150, मतलब कि लगभग इनका कंपेरिजन बनता है। पर सबसे ज़्यादा चलती है ये, अगर इन दोनों का टेस्ट किया जाए तो सबसे ज़्यादा ये चलती है। तो चलो वो आपको रात को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। अब आ जाते हैं कोक ब्रांड की बिस्लिंग वाली, ये वाली जो रॉकेट है, इसका जो मैंने टेस्टिंग किया हुआ है वो आपने देखा होगा, पर इसका जो बॉक्स है ये आपको 280 रुपये के आसपास पड़ता है, क्योंकि इसका MRP 375 रुपये है। ठीक है, तो लगभग ये 200-250 रुपये के बीच में मिलती है, 50% लेस मिलता है तो उसका हाफ कर लो, अगर 5% मिल रहा है, 10% मिल रहा है, उसके हिसाब से मतलब कि ये 200-250 रुपये के अंदर रॉकेट मिलता है। तो मैं आपको रॉकेट में रेकमेंड करता हूँ, तो ये सबसे बेस्ट रॉकेट है बिस्लिंग वाला, ब्लास्ट होने वाला अगर आपको पसंद है तो फिर आपको पता है गोल्डन विलो इज़ बेस्ट। पर रीज़न क्या है कि गोल्डन विलो कभी कभी टेढ़ा चला जाता है और उसका जो फटता है वो फ्लावर काफ़ी जनों को नुकसान भी पहुंचाता है, ये बात याद रखना। उसके बाद ये आ जाती है आपकी ये, ठीक है, ये अभी के रेट में ये आपको 150 रुपये में मिल सकती है, पर ये 100 रुपये की VB की है, पर अभी 30% रेट जो बढ़े हैं जिसकी वजह से आपको ये 100 और 130 रुपये में ये मिलेगा। ठीक है, ये जो मैं प्राइस बता रहा हूँ ये मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मल जो शॉप पे जाके आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, होलसेलर के लिए क्या प्राइस चल रहा है ये इसका मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। उसके बाद आता है ये पांडा, ये 20 और 25 रुपये के बीच में मिलेगा आपको पांडा, ये जिसमें 5 होते हैं और ये बहुत सही है, 5 चलाओ ऐसे लगता है कि दिल को तसल्ली मिल जाती है, जैसे बहुत सारे पटाखे चलाए होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये रेड रैम्बो आ जाता है, ठीक है, इसका जो चलता है ये ऐसे ऊपर 7-8 पटाखे इकट्ठे बजते हैं, और ये जो आपको मिलता है ये 150 रुपये में मिलता है जिसमें 5 होते हैं। ठीक है, आपकी रेट के हिसाब से देखा जाए तो ये आपको 200 रुपये का मिलेगा, क्योंकि 30% रेट बढ़ चुके हैं पटाखों के, जो कि हर दिवाली में 10% बढ़ते हैं, तो इस बार थोड़े महंगे ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, और ये 50 रुपये का मिलता है, बिजली बम्ब है, पर पिछली बार ये 30 रुपये का मिला था, इस बार आपको ये 50 का ही मिलेगा। ब्रांड अलग अलग होते हैं ये बात याद रखना, ठीक है, मैंने ये 30 रुपये का बेचा हुआ है, 20 रुपये का भी बेचा हुआ, पर आज की डेट में ये 50 रुपये का हो चुका है। पहले कईयों को ये 50 का ही मिलता था, कोक ब्रांड का 80 का, तो 80 का ही मिलता है, 48 देखो इसका रेट लिखा हुआ है, पर ये अभी 50 रुपये का मिलने वाला है आपको। ठीक है, और ये दोनों प्राइस सेम ही है। उसके बाद जब कोक ब्रांड की ये बिस्लिंग वाली रॉकेट की बात करते हैं तो बच्चों के लिए ये रहता है, किड्स के लिए, ठीक है, तो किड्स इजीली ये चला सकते हैं, पर ये भी चला सकते हैं क्योंकि ये डैमेज नहीं करता। ये अगर आप यहाँ पे जैसा मैं बैठा हूँ ना, अगर मैं यहाँ पे भी चला दूँगा तब भी ये डैमेज नहीं करता, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ साउंड करता है और इसकी फ्लेम भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम फ्लेम होती है, और ये साउंड बहुत प्यारा करता है। ठीक है, फटने की टेंशन इसकी नहीं होती है, डैमेज ये नहीं करता, और फटने मतलब कि ये लगा लो कि बचपन में मैंने ये बहुत चलाए हुए हैं, मैंने इसको हाथ आग लगा के ऐसे ऐसे हाथ में पकड़ के भी चलाया हुआ है इसको काफ़ी बार। ठीक है, तो आपने ये ट्राई नहीं करना, ठीक है, पर देखो यही सेम इसका छोटा साइज है, देखो जैसे ये ऊपर बना हुआ है ना, इसका ये बॉक्स है और ये आपको 150 रुपये के आसपास मिलेगा। मैं इसका MRP बताता हूँ आपको कितना है, इसका MRP देख लेते हैं, इसका MRP है 260 रुपये, 260 का हाफ कर लो, ये कितने का मिलेगा उसके हिसाब से देख लो, 50% लेस किया तो कितना हो गया 260 का, 130 रुपये के आसपास। ठीक है, तो लगभग ये आपको 150 रुपये का मिलेगा कोक ब्रांड पे, अगर आपको 30% या 20% या 50% लेस मिलता है। ठीक है,
उसका वो बॉक्स इन्हीं का है, अगर आप वो पूरा बॉक्स लेते तो उसमें आपको ये मिक्स मिलेंगे, ठीक है, मिक्स नहीं मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे, मैंने मिक्स किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है ये 777 ढोलक बम, ठीक है, ये 150 रुपये का बॉक्स आता है जिसमें 10 पीस होते हैं, ठीक है। और सेम ऐसा आता है 999, ये 200 रुपये का बॉक्स आता है जिसमें ये ऐसे बम होता है, टाइम बम होता है, इसका जो धमाका होता है इसका ज़्यादा होता है, ये 999 है, इसकी कमेंटिंग बहुत आती है। आज इसी की टेस्ट होने वाली है, जो शाम की वीडियो आएगी वो इनकी टेस्ट आएगी। ये म्यूर का बुलेट बम पर मुझे कमेंट आया था, मुझे बुलेट बम चलाने बिल्कुल पसंद नहीं है, कारण बता दूं, इसकी जो बैक वाली ये मिट्टी सी होती है, अगर आप इसको ऐसे रख के चलाते हो बाई चांस आप इस पोजीशन में कितनी मर्जी दूर खड़े हो, जैसे वो मंजा पड़ा इससे भी आप दूर खड़े हो ना, तो जो इसका बैक वाला पोर्शन है वो गोली की तरह जाता है और बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। और सेम फ्रंट में भी केबल निकलता है, क्योंकि इसके ना आगे यहाँ पे मिट्टी लगाई होती है और पीछे मिट्टी लगाई होती है, और इसके ऊपर काफ़ी मोटा गत्ता चढ़ाया होता है और उसके अंदर हल्का सा मसाला डाला होता है, ब्रूज डाला होता है, और ये फ्यूज़ होता है, जैसे उसके साथ जाता है तो इसका प्रेशर इतना ज़्यादा क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से इसका साउंड ज़्यादा आता है, और वो जो प्रेशर होता है वो गत्ते को तो पाड़ देता है पर जो नीचे मिट्टी होती है और फ्रंट में मिट्टी होती है उसको वो नहीं पाड़ पाता, जिसकी वजह से वो गोली की स्पीड से जाता है। तो कभी भी आप बुलेट बम चलाते हो तो उसको ऐसे खड़ा करके चलाओ, ऐसे खड़ा करके चलाओ हमेशा, क्योंकि जो उसका फोर्स होगा वो नीचे जाएगा और जो ऊपर वाली होगी वो ऊपर जाएगी, जिसकी वजह से आपको डैमेज नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि जो इसकी स्पीड होती है वो बहुत ख़तरनाक होती है, मैंने टेस्टिंग की हुई है, ऐसे पंगे लिए हुए हैं, आपको दिखाऊंगा कोई चीज़ ऐसे पीछे रख के इसको जब चलाते हैं ना कितना डैमेज करती है, ठीक है। तो ये करेंगे आज हम टेस्टिंग, उसके बाद आते हैं ग्राउंड चक्कर ये वाली, ठीक है, ये ग्राउंड चक्कर सबसे बढ़िया रहती है, और ये म्यूर कंपनी की है, कॉक ब्रांड की मैंने टेस्टिंग की हुई है इसके साथ, जो कि सेम ही रहती है, ठीक है। इसके जो राउंड रहते हैं वो मतलब कि ये आपको सेम रेट पे मिलती है, ये 150 रुपये के बीच में मिलती है, बस ये है कि इसमें 10 पीस होते हैं और इसमें 25 पीस होते हैं। अगर आप बच्चों को लेके दे रहे हो तो ये लेके दो, कारण क्या है कि बच्चे जितनी मर्जी चलाए इसमें 25 से 50 पीस भी होते हैं, पर 25 पीस होता है, आई थिंक आपको बता देता हूँ, हाँ इसमें 25 पीस होते हैं, ठीक है, 25 पीस आते हैं, इसी में बड़ी भी आती है जिसमें 50 होते हैं, 25 पीस दे देते हो तो बच्चा बहुत मतलब कि दिन में भी चला रहा है तो 5 बार चला के 25 बार चला गया मोस्ट खुश हो जाएगा। अगर आप ये लेके देते हो इसका टाइमिंग तो ज़्यादा होगा पर बच्चा इजीली ऐसे ना 10 चला के कहीं का दिल नहीं भरता वो और जाना चलाना, या फिर आप ये 2 ले सकते हो या फिर आप ये 1 ले सकते हो, आप अपने बजट के हिसाब से देख सकते हो। वैसे कोक का 70 cm भी काफ़ी अच्छा चलता है, ठीक है, पर इन दोनों का बॉक्स का प्राइस सेम रहता है। रीज़न क्या है, इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, ठीक है। और ओवरऑल देखा जाए तो बीडियम 20 रुपये का आता है, अभी भी ये आपको 20 या 25 रुपये का मिलेगा, अगर 25 रुपये का मिला है तो इसके अंदर जो स्टिक्स होती है बीडी बम की, बम होते हैं वो आपको 60 मिलेंगे। अगर क्वांटिटी कम होएगी तो ऑब्वियसली इसका रेट तो 20 रुपये ही रहेगा, पर क्या होगा इसकी जो अंदर पटाखे होते हैं उनको कम कर दिया जाएगा, ठीक है, बॉक्स सेम यही रहेगा, ये बात याद रखना, ठीक है। तो इनका प्राइस लिस्ट सबका समझ में आ गया, तो अभी एंड करते हैं वीडियो का। और इसमें क्या है कि आपको शाम को इसकी टेस्टिंग मिल जाएगी, रात को 9 बजे आ सकती है वीडियो, 10 बजे आ सकती है, कभी भी आ सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर दो, जिसकी वजह से इसकी सारी की टेस्टिंग मिल जाएगी। मतलब कि आज रात को क्या चलने वाला है, चक्री चलने वाली है, चक्री टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलने वाली है, तो अच्छी चले ना चले ये कुछ कह नहीं सकता, पर ये ऐसे फ्लोर पर बहुत अच्छी चलती है, जो सिमटी फ्लोर होता है वो अच्छी चलती है, कच्चे पे कैसे चलेगी ये हम चला के देख लेंगे, क्योंकि मैंने बजरी वाले पे चलाना है। उसके बाद ढोलक बम की टेस्टिंग होगी, उसके बाद 999 की टेस्टिंग होगी, इस वाली चक्री की टेस्टिंग होगी, इस वाले रॉकेट की टेस्टिंग होगी, इस वाले रॉकेट की टेस्टिंग कर चुका हूँ पर ये स्वाद के लिए चलाएंगे हम, ठीक है, ये टॉर्च की टेस्टिंग होगी और ये वाली टॉर्च की टेस्टिंग करेंगे और ये वाली टॉर्च की टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। टॉर्च की टेस्टिंग ज़्यादा हो जाएगी आप बोर हो जाओगे, तो इस टॉर्च की टेस्टिंग करेंगे या फिर इसकी और इसकी टेस्टिंग करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी इन सब की टेस्टिंग कर रखी है, इनकी क्या ही टेस्टिंग करनी है, तो चलो एंड कर। फाइनली मैंने आपको बता दिया सभी पटाखों के रेट, ठीक है, प्राइस चलाने से पहले, क्योंकि जो पटाखे को मैं टेस्टिंग करता हूँ तो उसमें क्या होता है कि काफ़ी जने मुझे रेट पूछते हैं, तो अभी मैं क्लियर की पहले मैं रेट बताया करूँगा फिर उसकी टेस्टिंग किया करूँगा, जिसकी वजह से आपको पता लग जाएगा कि ये पटाखे चलने वाले हैं, ठीक है। और सीन क्या रहेगा कि ये वाले पटाखे हम खुली जगह जलाते हैं, रिस्क नहीं करते हम लेते हैं अपने साथ, बिल्कुल सेफ्टी के साथ चलते हैं, आपने भी रिस्क नहीं लेना, देखो इन्जॉय करो। और मैंने एक वीडियो डाली थी जो कि 2-3 दिन हो गए हैं, जिसमें मैंने QR कोड दिया था अपना कि आप 1 रुपया डालो, उसका जो एक्चुअल में रिजल्ट है वो क्यों बनाई गई है, क्यों है, उस पर काफ़ी जने कमेंट कर रहे हैं कि आपके 3.5 लाख 3.70 लाख सब्सक्राइबर है, सब ने 1-1 डाला तो आपको बस 3 लाख रुपये आ जाएगा, पर एक्चुअल में मैं उसका रिजल्ट दूंगा आपको 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद, उसका बताऊंगा कि वो एक्चुअल में मैं अपने चैनल पर क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि सारे जने कह रहे हैं गिव अवे करो गिव अवे करो,
तो वो एक किस्म का कुछ ऐसा सिस्टम है कि जो कि मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है ना। तो डीमोटिवेटेड करने वाले, या फिर एक होता ना कि आप ये स्कैम चल रहा है, ये स्पैम चल रहा है, जो भी है वो चल रहा है, वो आपको आगे जाके पता चलेगा कि क्या होता है। बाकी इस चैनल पे ऐसा है, आप फेथ कर सकते हो, भरोसा रख सकते हो पूरा। और जिन्होंने जिन्होंने 1 रुपया मेरे डाला हुआ है, वो उनको पता है कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। जिन्होंने नहीं डाला उनको नहीं पता क्या है क्या नहीं, वो तो बस कमेंट करने पे लगे हुए हैं। तो जब जो वो वीडियो आएगी, मैं उसका मतलब उस वीडियो बनाने के लिए उसका दूसरा पार्ट बनाना है मुझे वीडियो का, और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि ये मैं अपने चैनल पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। एक बहुत तगड़े वाला एक्सपेरिमेंट है, एक टाइम पे आने वाले पे, अभी जैसे मैंने 1 रुपये की बात की है, तो आने वाले टाइम पे वही मैं मे भी 100 रुपये की या 50 रुपये की या 10 रुपये की बात करूंगा, अपना बजट देख के, ठीक है ना, कि मेरा बजट क्या है, तो उसके हिसाब से रहने वाला है। तो आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, कि मैं जैसे मॉर्निंग में वीडियो बना रहा हूँ जिसके ऊपर प्राइस आएंगे, इवनिंग में वीडियो आएगी जिसके ऊपर टेस्टिंग आएगी। तो ये कोशिश करूँगा कि ये शेड्यूल रेगुलर रहे, जिसकी वजह से आपको पटाखों के रेट, उसके बाद उसकी साउंडिंग कैसी है और उसका रिव्यू कैसा है, क्योंकि पटाखों के रिव्यू भी देते हो, ये लो ये या ना लो, ठीक है ना। कैमरा फ्लैश की बताई थी, ये बकवास है ये सही है, पर ऐसा तो ना कि हम बॉक्स लेते हैं, कई बार एक ही बॉक्स खराब होता है बाकी अच्छा चलता है, ऐसा सीन भी होता है। तो बस आज के इतना काफ़ी, आप बाय फ्रेंड्स, थैंक यू। मतलब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और हाँ जरूरी नहीं है कि हर कोई स्कैम ही कर रहा हो, ठीक है ना, खासकर जिनके बड़े बड़े चैनल हो, ये बात याद रखना। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू। मतलब वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना।